हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट्सएप कुछ नए फीचर ला रहा है अपने अंदर, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर लेना, ताकि जो भी हम वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो और नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और फेसबुक पेज को भी आप लोग फॉलो कर लीजिए, ताकि वहाँ पे हम कोई भी अगर नोटिफिकेशन डालते हैं, कुछ भी डालते हैं व्हाट्सएप या इंस्टा पे, तो आप लोग को मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं, ये जो व्हाट्सएप है वो कॉन्टैक्ट अब सेव होगा। व्हाट्सएप में आप जो कॉन्टैक्ट सेव करते हो तो सिंपली नंबर डाल के, डिजिट डाल के फिर सेव करते हो, लेकिन अब ये QR कोड से ही सेव हो जाएगा। तो दुनिया के पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने कुछ ही दिन पहले नए फीचर्स का ऐलान किया है। इसके पहले तो एनिमेटेड जो स्टिकर्स थे, या व्हाट्सएप वेब के थ्रू आप अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे जो ऐप चलाते थे ये व्हाट्सएप, तो उसके बाद और डार्क मोड भी लाया गया था, और KaiOS जो काई ऑपरेटिंग सिस्टम है OS वाले फ़ोन के लिए स्टेटस फीचर आ गया है। अब जल्द ही आप यूजर्स के लिए QR कोड का फीचर आने वाला है। इसके आ जाने से ही कॉन्टैक्ट सेव करने का तरीका एकदम से बदल जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि सीधे आप जो QR कोड है उसको आप स्कैन कर लेंगे। कैसे होगा अभी हम पूरा वीडियो देखिए बताते हैं। स्कैन कर लेंगे, फिर आपका कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिक उस जिसका होगा नंबर वो नाम आ जाएगा। तो इससे सभी यूज़र्स का अपना यूनिक QR कोड होगा, जो QR कोड से सेव होगा नंबर। तो जो भी यूज़र होंगे उसका अपना, जो भी अपना व्हाट्सएप चलाते होंगे उसका अपना एक अलग QR कोड जनरेट होगा, आएगा व्हाट्सएप के थ्रू। तो यूजर स्कैन करेगा और ऐड नंबर कर लेगा, स्कैन कर लेगा। और फिर ये काम कैसे करेगा, तो पहले आप जब सेटिंग्स में जाओगे तो प्रोफाइल नेम पिक्चर के साथ यह कोड भी मिलेगा। जहाँ प्रोफाइल नेम और पिक्चर आता है वहाँ पे ये कोड भी मिलेगा, और उस QR कोड के आइकॉन पर आपको टैप करना होगा, तो माई कोड के नाम का एक टैब खुल जाएगा। यह कोड आप दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आने वाले कुछ हफ्तों में आप यूजर तक ये पहुँचने वाला है। तो कितना आसान हो जाएगा, QR कोड जनरेट करेगा हर यूज़र का अलग अलग व्हाट्सएप, और उससे आप लोग कॉन्टैक्ट, अब उसका QR कोड आएगा, आप अपने मोबाइल से ऐप में होगा ए फैसिलिटी व्हाट्सएप में, उससे आप लोग जब स्कैन कर लोगे तो डायरेक्ट उसका नाम आ जाएगा, केवल QR कोड स्कैन करने से ही। दोस्तों, ये नया फीचर है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।